बता दूं कि अब तक मटकी को कोई भी तोड़ नहीं पाया है और आखिर में सिर्फ दो ही परिवार बचे हैं, एक है लखानी परिवार और दूसरा है दगली परिवार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लोगों ने सिर्फ मोंटू लखानी को ही फोड़ा है। बॉस पता नहीं सब आपको मटकी क्यों समझ रहे, बल्कि आप तो ड्रम और ड्रम। अब अगले प्रतियोगी हैं लखानी परिवार से, एक बार फिर मोंटू लखानी। तो ये मटकी आप फोड़ेंगे? हाँ। कॉन्फिडेंट? हाँ। पक्का? हाँ। ओके पकड़ो डंडा। वन टू थ्री। जल्दी नहीं, मुझे मटकी तोड़ने से पहले थोड़ा टाइम पास करना पड़ेगा, वरना सबको लगेगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूं। दगली परिवार से आए हुए प्रतियोगी मटकी तोड़कर आगे बढ़ते हैं या फिर यहीं से मोंटू जीत की ओर कदम बढ़ाते हैं। फिर से ठंडी हवाएं चल रही है और मुझे ठंडी हवा महसूस भी हो रही है। इसका मतलब वो यंत्र यहीं कहीं है। लगता है भयंकर परी ने अपनी शक्तियों से उस यंत्र को अदृश्य कर दिया है ताकि मैं उसे देख ना पाऊं और उस तक पहुंच ना पाऊं। ठंडी हवा इसी दिशा में से आ रही है, इसका मतलब वो यंत्र इसी दिशा में कहीं है।
था मैं आपको कि भाग चलते यहाँ से फटाफट, लेकिन सुनती कहाँ है आप पूरी समझदारी वाली बात कभी। जान गया है बालवीर कि है हिमचक्र यहाँ और आ रहा है वो इस हिमचक्र को नष्ट करने। आने दो इसे, उसके हीम चक्र के पास आने से नष्ट मेरा हीम चक्र नहीं बल्कि बालवीर होगा। अरे ये पड़ गया इस मुतरमा को फिर से हंसी का दौरा। अरे हंसोगी आप जितना उतना ही रोना पड़ेगा आपको। जब रोएगा तो अब ये बालवीर और उसे चाहने वाली वो परियां और बच्चे। भूल गए तुम तौबा तौबा, मैंने जमीन के अंदर बारूद का जाल बिछा रखा है, वो देखो। चक्र की तरफ बढ़ता हुआ हर कदम बालवीर को अपने अंत की तरफ ले जा रहा है। सावधान बालवीर, क्योंकि इन पर पैर पड़ते ही होगा एक जोरदार धमाका और उसी धमाके के साथ तुम्हारा नामो निशान मिल जाएगा। रॉकी चाचू, हमें आप पे पूरा भरोसा है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं नहीं तोड़ूंगा। हाँ? मतलब तुम लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। ऑल द बेस्ट। ओए, हो गया आपका? हाँ। गेम को आगे बढ़ाए। हाँ, बंद बंद, पकड़ो डंडा। वन टू एंड थ्री। मुझे स्कूटर। हारो की चाचू, अगर आप मटकी को नहीं तोड़ते तो मोंटू का स्कोर 2-0 से आगे बढ़ जाता। लेकिन अभी गेम ड्रॉ हो गया है, अब मुकाबला 2-1 हो गया है। हाँ, और अब हमारे पास पूरा चांस है कि हम फैमिली नंबर 1 बन सकते हैं। हाँ, और मुझे स्कूटर मिल सकता है। रॉकी ने फोड़ दिया बॉस को। मटकी फोड़ दी बॉस, मटकी। और बॉस, एक कॉम्बिनेशन ड्रॉ आ गया और उन्हें भी एक पॉइंट मिल गया। नहीं, उन्हें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। कैसे? बस तुम देखते जाओ। मानो मेहर, इतने खुश मत हो जाओ, अभी तो गेम बस फिनिश हुआ है, उसका रिजल्ट तो आना बाकी है।
और रिजल्ट वो आएगा जो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी चाहेगा। परी भयंकर, लेकिन अगर ये बच गया तो नहीं बचेंगे हम दोनों, तो नहीं बचेगा आपका ये बर्फीला तूफान फेंकने वाला हिमचक्रों। नहीं, आज बालवीर नहीं बचेगा। प्रतियोगिता में अब तक दो परिवारों ने मटकी तोड़ी है। प्रतियोगिता का विजेता सिर्फ एक ही हो सकता है। हा? पर कंपटीशन तो दोनों ने जीती है, तो दोनों विजेता हुए। हाँ। नहीं, ये मुकाबला ड्रॉ नहीं हो सकता। हर मुकाबले में विजेता तो एक ही होगा, और वो है मोंटू लखानी। अरे पर आप ऐसे कैसे उन्हें विजेता घोषित कर सकते हैं? ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं आप? हाँ, मटकी तो दोनों ने फोड़ी है, तो दोनों विजेता हुए। अरे आप सब लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मोंटू ने 35 सेकंड में मटकी तोड़ी और रॉकी ने 55 सेकंड में, और कम समय लेने की वजह से विजेता है मोंटू। वाह बॉस, मान गए आपको तो सच में गधे हो गधे। बॉस, इसका मतलब है जैसे गधा रास्ते के बीच खड़ा हो जाता है और लाख खोन मारने में भी नहीं हटता है, वैसे ही सब की कोशिशों के बाद आप इस कॉम्पिटिशन में डटे हुए हो। सही कहा तुमने, मैं गधा हूँ गधा। बेवकूफो, इस बार मैं गधा मानव मेहर को बनाऊंगा, और हाँ बस मुझे अगला कंपटीशन जीतना है, फिर उनका स्कूटर जीतने का सपना और ये फैमिली नंबर वन जीतने का सपना तोड़ दूंगा, और ये स्कूटर और उनके सपने को उड़ा कर लेके जाऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लखानी परिवार 5 में से 2 प्रतियोगिताएं जीत चुका है। और अब फैमिली नंबर 1 का खिताब जीतने के लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता का जीतना जरूरी है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं यार, कम ऑन, थोड़ा जोश में आइए और सबको बता दीजिए कि आप हैं फैमिली नंबर 1 और जीतना चाहते हैं ये चमचमाता हुआ स्कूटर। मानव, हमें तीनों के तीनों कॉम्पिटिशन जीतने ही पड़ेंगे। हाँ, वरना समझो ये स्कूटर भी हाथ से गया। मानव मेहर, मैंने तुम लोगों को समझाया था ना, किसी भी खेल को हमेशा खेल का मजा लेने के लिए खेलना चाहिए, ना कि इनाम के लिए। हाँ पापा, हम जानते हैं, लेकिन ये स्कूटर हम आपके लिए तो जीतना चाहते है ना। हाँ। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, लेकिन मेरे लिए स्कूटर से बड़ी बात है तुम लोगों ने मेरे लिए सोचा। मेरा परिवार ही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है, समझे? यस पापा। तो दोस्तों,
अब तक जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई उसमें सबसे पहले मैंने आपको प्रतियोगिता के बारे में बताया और फिर आप लोगों के परिवारों में से कौन हिस्सा ले रहे हैं ये चुनने के लिए बोला। लेकिन फैमिली नंबर वन मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए इस बार सबसे पहले आप लोग अपने परिवारों में से खिलाड़ी चुनेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रतियोगिता क्या है। बॉस, इस बार आपका पैसा उल्टा पड़ गया। हाँ बॉस, आपको जब गेम के बारे में पता ही नहीं है तो आप चीटिंग करोगे कैसे? तो अगली प्रतियोगिता में आपके परिवार से जो सदस्य हिस्सा ले रहा है वो हाथ उठाए। महर, इस बार मुझे जाने दे प्लीज। ठीक है, तू जा। परिलोक में बर्फ का स्तर इतना बढ़ गया है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित रानी महल भी आधा बर्फ से ढक चुका है। अब क्या करेंगे बालपरी? अगर इसी तरह बर्फ पड़ती रही तो बहुत जल्दी पूरा परिलोक बर्फ तले दब जाएगा। बालपरी, हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ कोशिश? हम क्या कोशिश करेंगे, अब तो हमारे पास हमारी शक्तियां भी नहीं रही। अगर हम बाहर चले गए तो हम भी बर्फ बन जाएंगे। इस समय उचित यही है कि हम सब यही रहकर बालवीर का इंतजार करें। लेकिन बालपरी, बालवीर को भी गए काफी समय हो गया है, लगता है उसे भी अब तक इस समस्या का समाधान नहीं मिला है। मुझे बालवीर के लिए बहुत डर लग रहा है बालपरी। सच कहूं तो बालपरी, मुझे भी बालवीर की बहुत चिंता हो रही है। हम उसे बाहर अकेला छोड़ा है, कहीं वो बर्फीले तूफान में किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो।